चुके थे, आज करीब 2 लाख लोग आएंगे यानी कि 17.5 लाख, और आने वाले दिनों में कम से कम 6 से 8 लाख लोगों के इन विशेष ट्रेनों से आने की उम्मीद की जा रही है। जहां तक आपने इंतजाम का ये बात कही है, अगर इंतजाम होता तो शायद इतने लोगों को पलायन नहीं करना होता। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बिहार में इंतजाम का क्या हाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू के 45 दिनों तक तो किसी को यहाँ आने नहीं दिया, लेकिन बिहार में आज टेस्टिंग की कुल क्षमता जो है वो मात्र 2400 है। पिछले 10 दिनों से हम हर दिन नीतीश कुमार की 2 बातें सुनते हैं कि टेस्टिंग की क्षमता को 10,000 तक बढ़ाया जाए और जो लोग आ रहे हैं उनका स्किल प्रोफाइल किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप उनका स्किल प्रोफाइल भी कर लेंगे तो आपके पास क्या देने के लिए काम बचा हुआ है क्या? इतने किसी भी सरकार के पास इस आपदा के समय इतना साधन या संसाधन या आर्थिक उनके पास में कैपेसिटी नहीं है कि वो 20 लाख लोगों को हर दिन के लिए काम उनको मुहैया करा सके या उनको पैसे दे सके। सुशील जी, शुक्रिया।